हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली स्टाइल ज़िंदगी। तो आज हम देखते हैं क्रीम चिकन की रेसिपी। ये रेसिपी मैंने अपनी सासू माँ से सीखी है एंड इट्स रियली इजी टू मेक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ चार बड़े साइज़ के अनियंस लिए हैं और कुछ ग्रीन चिलीज और उन्हें ग्राइंड कर लिया है। मेक श्योर कि आप थोड़ा दरदरा सा ग्राइंड करें, फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। और यहाँ पे मैंने चिकन लिया था 500 ग्राम्स, और चिकन में जो अनियन पेस्ट है उसे ऐड कर देना है। और ये चिकन बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनता है, इसलिए बहुत इजी टू मेक है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च या ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मैंने थोड़ा इसमें ज़्यादा यूज़ किया था, 3 चम्मच ऑलमोस्ट मैंने डाला था। और स्वाद अनुसार नमक, और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट करके रखना नहीं है, तुरंत ही हम इसे बना लेंगे। तो उसके बाद हमें चाहिए एक कढ़ाई, और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया था इसके लिए, तो बहुत थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया था। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रेसिपी है काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल लगता नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा बस ऑलिव ऑयल लिया था, और तेल हल्का सा गर्म होने पर उसमें जो चिकन रखा है उसे ऐड कर दिया मैंने। और थोड़ा सा चला लेने के बाद उसे कवर करके रख देना और कुक होने के लिए छोड़ देना है लो फ्लेम पे। तो जब तक चिकन कुक होता है तब तक चलिए हम दूसरी तरफ अपना पुलाव भी तैयार कर लेते हैं। तो पुलाव के लिए मैंने गोविंदो भोग चावल लिया है और उसे अच्छे से धो करके रखा हुआ है। पानी अच्छे से स्ट्रेन आउट कर देना है उसमें से। जब तक पुलाव से पानी स्ट्रेन हो रहा है हम चिकन की हालत देख लेते हैं। तो ये हाफ कुक हो चुका है अभी तक, तो उसे वापस कवर करके रख देंगे और कुक होने के लिए। और पुलाव के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच रिफाइन के साथ मैंने 4 चम्मच घी लिया है, और इसमें खड़े मसालों का यूज़ कर रही हूँ। उसमें है दालचीनी, लौंग, इलायची, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता और एक बड़ी इलायची। तो घी थोड़ा गर्म हो जाने पर सारे खड़े मसाले हम उसमें डाल देंगे और उसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे जब तक कि वो स्प्लटर ना करने लगे। इससे क्या होता है कि उसका पूरा फ्लेवर मिक्स हो जाता है अच्छे से, और अच्छी सी महक भी आने लगती है, तो हमें पता चल जाता है कि मसाले अच्छे से भून चुके हैं। उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारा गोविंद भोग चावल था, जिसे हमने पानी स्ट्रेन करके रखा हुआ था, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्राई हमें तब तक करना है जब तक कि चावल थोड़े से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और चावल फ्राई होने के बाद उसमें ऐड कर दिया मैंने टर्मरिक, ये कलर के लिए होता है। और फिर उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक। फिर अगेन अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम ऐड कर देंगे पानी, और फिर उसमें ऐड कर दिया है नमक स्वाद अनुसार, और ऐड किया है 2 चम्मच चीनी। और उसमें आप ऐड कर सकते हैं किशमिश, मैंने दिया था किशमिश को, मैंने सिर्फ धो करके फिर उसमें डाल दिया था, ये ऑप्शनल है। और फिर उसे कवर कर देते हैं लो फ्लेम में रखकर। तो अब वापस आते हैं क्रीम चिकन की तरफ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा पानी निकल चुका है और काफ़ी अच्छे से कुक भी हो रहा है, ऑलमोस्ट हो ही चुका है कुक। तो मैंने अब इसका फ्लेम थोड़ा बढ़ा दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैं थोड़ा सा क्रश करके फिर उसमें ऐड कर रही हूँ। और अब बारी है क्रीम डालने की इसमें। तो ये मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया हुआ है, इसे मैं पैकेट का 3/4 मैं पूरा इसमें डाल दूँगी। क्रीम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसी से इसकी ग्रेवी थिक बनती है। और उसे फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड योर क्रीम चिकन इज़ ऑलमोस्ट रेडी। आप चाहे तो इसमें कुछ ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले थे। और फिर गैस को ऑफ करके थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम देना है इसको। सो दिस इज़ द फाइनल आउटकम, द फाइनल लुक ऑफ आर क्रीम चिकन।
बहुत ही टेस्टी है और काफ़ी हेल्दी भी है। आप प्लीज़ इसे घर पर ट्राई करें और मुझे बताना कि कैसा लगा। और ये है फाइनल आउटकम पुलाव का। पुलाव में आप बीच बीच में पानी डालते रहिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना कुक हुआ है और कितना बाकी है। तो मैंने वैसे ही पुलाव को बनाया है, मैं वैसे ही बनाती हूँ, ऐसे डायरेक्ट अंदाज़ा मुझे होता नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके देखते रहती हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द पुलाव एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्रीम चिकन एंड पुलाव का। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा, गुड लक एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स। बाय बाय।